मैंने नहीं सोचा था कि अरे मेरे जैसा दिमाग किसी और का भी चल सकता है <laughs> मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता था मेरी ग्लैड की मेरा ये वाला बोर्ड एकदम सरप्राइजिंगली अच्छा रहा <laughs> एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाना नेवा वर्क्स कभी कभी अगर कोई गायब हो जाता है तो निराश ना हो यार दे विल मेक अ कम बैक अगेन पहली दो बार जब मिस्री आई थी तो ऑब्वियसली दैट वाज एन इंस्टेंट यस एज वेल तो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होगा दो तीन महीने का टाइम दिया गया था उसको 10-15 दिन में ही ख़त्म कर दिया दैट वॉज दी ओनली सैड पार्ट देर आर नो हार्ड फीलिंग्स और एनी थिंग अबाउट एनी बॉडी बिकॉज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कुछ कुछ चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू आ जाती है एक हद से ज़्यादा फिर क्वेस्टन uh, करना वो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है नहीं अब मैं नहीं जा सकती अब अब नहीं हो सकता है तो आई होप कि वो रूमर अब सच हो जाए <laughs> अब ऑडियंस इसको पता है वॉट इज़ गुड कॉन्टेंट वाट इज बैड कॉन्टेंट फट सपोज टू बी और बाइबल कुरान गता जिसमें भी आप मानते हो वो एक पत्थर की लकीर नहीं है ट्रेलर्स देख के तो अच्छी बुरी फिल्म का आप अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहे हो इस बार चाहे छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो मेहनत दोनों में इक्वली लगती है कोई भी फिल्म सिर्फ एक इंसान से कभी नहीं चलती है वो दूसरे हजार लोगों की वजह से है। हाय, मैं हूं ईशा कंसारा और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली पे बातचीत में, so like <laughs> yes, uh, में हम हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं <laughs> है, इनसे इस तरह से बात करते हैं yeah. ना ही कोई कैमरा होता है ना ही कोई uh, किसी तरह की बनावटी होती है जो इज अलू एन ऑडियंस सो फर्स्टली ईशा क्योंकि इतनी ग्लो कर रही हैं आप अभी अभी आपने अपना जन्मदिन मनाया है कैसा रहा आपका जन्मदिन मैं घर पे भी एक बहुत ही प्यारा yeah. सा वाइफ देख सकती हूँ आपके फियांसे ने भी आपको बहुत ही अच्छा यू नो सरप्राइज दिया था हाउ वॉज इट इट वॉज एक्चुअली वेरी अनएक्सपेक्टेड और uh, बहुत टाइम के बाद ऐसा किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया अदरवाइज आई एम द वन जो सबके लिए सरप्राइजेस प्लान करती है और मेरे ही घर पे सारी पार्टीज होती है तो मैं खुद का ही घर डेकोरेट करती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए सिद्धार्थ के लिए किसी के लिए भी हो तो uh, मैंने नहीं सोचा था कि अरे मेरे जैसा दिमाग किसी और का भी चल सकता है बट येस जोक्स अपार्ट वी वर एट एन इवेंट और जहाँ पे बारह बज गए एंड दे ऑल वहाँ पे दोस्त ही थे सब तो उन लोग ने वहाँ पे मेरा थोड़ा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड देन आई वॉज जस्ट दिस टाइम आई वॉज ब्लैंक मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता था एंड आई डिड नॉट हैव एनी बिग विशेज़ और एनी थिंग कि मुझे ये बर्थडे पर ये करना है सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक जो मैं एक हफ्ते से मैं सिद्धार्थ को बोल रही थी कि यार मुझे नहीं इस टाइम कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है <laughs> सो बट देन ऑब्वियसली ही नोटिस दैट एंड ही फिगर्ड कि इसे थोड़े एक्साइटमेंट की जरूरत है सो ही प्लान दिस अमेजिंग पार्टी एट माई प्लेस ओनली और मुझे मैं मैं घर को कड़ी हूँ तो मुझे घर पर ही सब करने को अच्छा लगता है बीट अ पार्टी बीट अ गैदरिंग और फ्रेंड से मिलना तो घर है तो घर को ही उसने सजा दिया अच्छे से एंड देन वी हैड अटल पार्टी एट होम तो सुबह तक चली और बहुत डांस किया बहुत मस्ती की और बहुत मज़ा आया एंड दिस वॉज ऑफ़ द बेस्ट बर्थडे सो आई एम रियली ग्रेड कि uh, मेरा ये वाला बर्थडे एकदम सरप्राइजिंगली अच्छा रहा लवली <laughs> बहुत ही uh, मुझे खुशी है वो भी हम आपके चेहरे पे देख सकते हैं सो लेकिन अगर एक विश की बात की जाए क्या विश मांगी आपने इस बर्थडे पे इस बर्थडे पे मैंने विश मांगी है मेरी विशेष ना थोड़ी स्पिरिचुअल um, uh, होती है दे आर नॉट वेरी मॉनिटरी और दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक और एनी मैं बस यही मांगती हूँ कि यार uh, जिंदगी में भगवान ऐसी लाइफ दे जो बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल हो दैट आई एम एबल टू लिव विथ माई फैमिली लैविशली बट नॉट लाइक यू नो फील दी रिच या ऐसा कुछ बनने की इच्छा नहीं है बहुत ही अच्छी पीस ऑफ माइंड वाली लाइफ चाहिए मुझे बिकॉज दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी काम होना हो या यू नो पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो बस पीस ऑफ माइंड एक चाहिए तो मैंने इस बार भगवान से यही मांगा है कि मेरी जो आगे की आने वाली ज़िंदगी है मेरे आसपास के लोग खुश रहे मुझसे और मैं उनको खुश कर पाऊँ और मैं भी खुश हूँ <laughs> लेकिन जो फैंस है आपके वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए बहुत course, yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> 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 नहीं नहीं मैंने क्या, काम को त्याग नहीं दिया है <laughs> इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगी बट यस लॉकडाउन के बाद मुझे एक चीज अगर समझ में आई है तो वो ये है कि वर्क uh, और लाइफ का एक बैलेंस होना चाहिए जिसको मैं अभी पूरी तरीके से मेनटेन करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई अंडरस्टूड की सिर्फ एक चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाना नेवर वर्क्स Uh, और हमने वैसे भी वर्किंग ओवर टाइम और इस सब चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया yeah. है दैट सम वेर वी मिस्ड आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं मिस करनी चाहिए हमें yeah. uh, तो वो मैं उस चीज़ में बहुत मानती हूँ मैं तो मैं काम भी करूँगी अच्छे से काम करूँगी बहुत मेहनत का मेहनत करूँगी और uh, मुझे uh, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत पसंद है आई मीन ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर सो दैट्स माई जॉब बट ऑडियंस के लिए इतना ही कि जैसे आप अपने लाइफ uh, में सब चीजों को बैलेंस करते हैं वैसे ही हम एक्टर्स भी करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी अगर कोई गायब हो जाता है तो निराश ना हो यार दे विल मेक अ कम बैक अगेन इट्स ऑलवेज अ कम बैक फॉर अस बट वी आर नेवर आउट ऑफ प्रैक्टिस और एनीथिंग Uh, शायद लोगों को ऐसा लगता है कि comeback, but actually हम तो पर्दे के पीछे कही ना कही, कुछ, ना कुछ काम करते हैं है हमारा वेट कर रहे थे ईशा yeah. के लिए और जो हमें देखने को भी मिला yeah. लेकिन वो बहुत ही यू नो शुरू सा हुआ खत्म सा हो गया फैंस <laughs> बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे पसंद कर रहे थे आपको मिश्री के किरदार में बट सडनली व्हाट हैपन्ड एग्जैक्टली क्योंकि जब आपको पिच किया गया था तब yeah. क्या सिनारी होता एंड व्हाट है We'd like to know. So is बार, since we all knew that Gulki was on break, then I was supposed to, um you know, sort of uh, come for good 2 3 months because yahi brief mila tha ki jab Gulki nahi hogi to Misri Karishma की life में क्या अल्चन ने पैदा करेगी तो उसके बारे में पूरा track शुरू होगा mm -hmm. या क्या और चटपटी stories uh, आएंगी उसके बारे में। So I was really excited. Obviously, Misri has been one of my favorite characters and वो एक एक ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसमें इंस्टेंटली प्यार मिलने लगा देर वॉज नो ट्रोलिंग देर वॉज नो बैड फीडबैक देर वॉज नो बैड कॉमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंसेस की जो भी भले ही वो कैरेक्टर ग्रे था बट समवेयर मिसरी वॉज ऑलवेज लव फॉर हुए एवर शी वॉज और uh, जो मैं पहले प्ले करने में मैं बहुत नर्वस uh, थी कि ये मैं शायद कर पाऊंगी या नहीं आई आई वॉज नॉट रियली श्योर बट वंस वी स्टार्टेड डूइंग दैट तो मुझे और मज़ा आने लगा था सो <laughs> so, पहली दो बार जब मिसरी आई थी तो ऑब्वियसली दैट वाज एन इंस्टेंट यस एज वेल तो तीसरी बार जब मिसरी आई तो तब भी मैंने उनको यही बोला था कि यार मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ एंड आई रियली वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑल ओवर अगेन एंड आई वुड डू दैट पर इस बार लंबे टाइम के लिए तो आई एम इवन मोर एक्साइटेड कि चलो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होगा एंड सिंस गुल्की वॉज नॉट देर तो आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि गुल्की जब वापस आएगी तो क्या होगा मिस्री के साथ बट लिटिल डिड आई नो कि uh, जो मुझे दो तीन महीने का टाइम दिया गया था उसको दस पंद्रह दिन में ही खत्म कर दिया विच आई रेड द स्क्रिप्ट ऑन सेट एंड आई गॉट टू नो कि अरे अच्छा आज मिस्री तो झेल जा रही है तो आज मेरा लास्ट डे है

सो so, अगर टी में कुछ ऊपर नीचे हो रही है कॉन्सेप्ट में स्टोरी में स्क्रिप्ट में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो एक्टर के पास एक्चुअली सबसे लास्ट में आता है तो वो हमें सबसे लेट पता चलता है कि अच्छा ये होने वाला है तो दैट्स अ सैड पार्ट बट इट्स ओके आई थिंक इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग एंड देर ऑलवेज अनदर कम बैक तो मिसरी नहीं तो कोई और सही एंड आई होप कि इसके बाद जो भी मिले वो uh, बहुत अच्छा हो मेरे करियर के लिए भी एंड ऑबवियसली फॉर द ऑडियंस इज एज वेल कि उनको भी एक um, कोई दूसरा कैरेक्टर ईशा से देखने को मिले जी बट डू यू थिंक दैट हैज बीन एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी कास्ट को लेकर क्योंकि आपके कैरेक्टर को आते ही इतना हाँ। प्यार मिल रहा था नहीं यार इनसिक्योरिटी तो उन्हें तो आई एम श्योर कुछ भी नहीं है बिकॉज़ दे आर ऑथराइफ्ड रोल्स दे आर मिसरी वाज ऑलवेज वन ऑफ द गेस्ट्स सो मिसरी से किसी की भी इनसिक्योरिटी होना मतलब वो बहुत बड़ी बात है पर आई हैव नेवर फेल्ट दैट ऑन सेट एटलीस्ट नेवर फ्रॉम युक्ति और गुलकी और एनी बडी ऑन सेट सो बिकॉज दे नो दैट दे आर द वो एक होता है ना दे आर द प्राइमरी कैरेक्टर्स एंड वैन यू गो एज अ सेकेंडरी कैरेक्टर येस समटाइम्स द कैरेक्टर्स ब्रिंग सो मच टू द शो दैट दे आर मेड टू बी द प्राइमरी कैरेक्टर्स बट विद मिसरी आई ऑलवेज न्यू दैट शी वॉज गोइंग टू बी अ गेस्ट एंड even this time I I was going to be a guest only. Yeah. so uh, nahin, I don't think किसी को भी कोई insecurity होनी चाहिए बट आई गेस इवन देवर क्लूलेस एंड फ्रेंकली आई डिड नॉट गेट proper जवाब कि क्या होने वाला है क्या नहीं a lot of देर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द शो ड्यूरिंग दैट टाइम सो फिर एक हद से ज़्यादा फिर क्वेश्चन uh, करना वो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाता है तो वो मैं नहीं करना चाहती थी इसीलिए मैंने सामने से बोल दिया कि ओके यू नो जस्ट लेट्स जस्ट फिनिश दिस कैरेक्टर हेयर बिकॉज अभी इससे ज़्यादा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे फिर मन में रहेगा कि यू you नो know, इस बार क्या होने वाला है इतना एंजाइटी के साथ एक्टर नहीं जी सकता है जी. Uh, या तो एक्टिंग कर लो आप या तो इनसिक्योर रह लो आप तो दोनों चीजें एक साथ कभी काम नहीं करती है तो मुझे बहुत ही सिक्योर वे में uh, अपनी uh, जो भी मेरा कैरेक्टर है वो मुझे निभाना है और फिर काम खत्म करके घर वापस जाना है दैट्स हाउ आई वर्क सो यस दैट वॉज माई डिसीजन टू क्विट द शो मैंने फिर बोल दिया जस्ट एंड इट ऑन गुड टर्म्स देन Uh, मैं फॉलो अप करूँ हर रोज़ आप बैठे रहो कि कल कॉल टाइम आने वाला है नहीं mm -hmm. आने वाला है बिकॉज ये चीज़ें ऑडियंस को नहीं पता होती yes. है कि डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है yes. हमारे शो को लेके तो आई थिंक इट वॉज वाइजेस्ट टू स्टे आउट ऑफ इट

ये तो क्या कोई और नहीं बुलाता अगर एक्टर hmm. के बारे में ऐसी कोई चीज़ें बाहर आती है कि यू नो अन टाइमली लेफ्ट शो मेडिकल रीजन अलग होते हैं बट hmm. uh, कोई अगर फिर वो टैंट्रम के जोन में आ जाता yes. है इट्स ऑलवेज़ अ टेंट्रम फॉर एन एक्टर तो um, अगर मैं ये चीज करती तो मैं खुद दोबारा वो शो में सामने से भी नहीं जा पाती और ना ही वो लोग मुझे बुलाते तो अगर ये ही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है तो वो मेरे मन में भी बैठ जाएगा कि अगर अगली बार मुझे पंद्रह दिन भी बोला है तो मुझे ऐसा लगेगा कि पाँच दिन में ख़त्म होने वाला है hmm. तो वो इतना मैं आई आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई टाइम टू बेटर थिंग्स एंड टू बेटर यू नो सम समोज दैट कैन गेट मोर मीट आउट ऑफ द कैरेक्टर फॉर मी रादर देन फॉलोइंग समथिंग जो मैं सिर्फ करने के लिए कर रही हूँ फिर मुझे वो जोन में नहीं जाना है hmm. मुझे बहुत प्यार से काम करना है गुड वाइब्स के साथ काम करना है मैं कोई इनसिक्योरिटी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ जिस तरह से हमने आपकी जर्नी देखी है क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों को कि अब ईशा किस तरह से दिखने वाली है उन्हें आई थिंक अब तो यार लोगों को बोलना चाहिए हाई टाइम <laughs> मैंने तो बहुत बोल लिया कि मुझे क्या करना है बट आई थिंक नाउ फैंस शुड बी द वंस टॉकिंग अबाउट मी कि अब ईशा को क्या करना चाहिए तो अगर ये, ये ऐसा ये ऐसा कुछ सच में सच हो जाए ना कि जो बोलते हैं कि जो कुछ uh, फैल जाता है रूमर के नाम पे कि अरे शायद ये इसमें ये दिखेगी और फिर वो सच आ जाता है तो हाँ, कितना मजा आता है तो आई रियली वॉन्ट कि ऐसा कोई रूमर हो जो एक्चुअल में सच हो जाए यू <laughs> नो you know, भूल जाए फिर लोग सो रियालिटी शो जैसे जलक हो गया कि वो रूमर अब सच हो जाए बट आई डोंट बट आई वु

बस आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कि जो मेरे करियर को एक टॉप नॉच पे एक और बार लेकर जा सके विथ एवरी कैरेक्टर आई हैव ट्राइड टू डू दैट कि लोग मुझे और ज्यादा रिमेंबर करें या फैन बेस क्रिएट हो या एक यू नो इंडस्ट्री में भी एक पॉपुलैरिटी बढ़े सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट आई एम डूइंग डूइंग सम गुड वर्क एंड आई वॉन्ट टू कीप डूइंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई जॉब so is there any uh, liking or you know willingness to ki uh, aap uh, big boss mein ya fir khatron mein participate kare i don't know about khatro big boss also i don't know but i know for sure about jhalak that i want to uh, uh, be a part of it i would love to my shall we expect this rumor is true for this time i like <laughs> it to be but uh, please ask colors ki ye kab possible hoga and uh, otherwise yaar uh,

दूसरी बात हो जाती है बॉयकॉट की तो आई uh, थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ हमें करने की ज़रूरत है कि फिल्म से इन्फ्लुएंस ना हो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक कि दे आर नॉट योर हिस्ट्री बुक्स और दे आर नॉट योर बाइबल्स फिल्म आर नॉट सपोज टू बी योर बाइबल कुरान गीता जो इसमें भी आप मानते हो वो एक पत्थर की लकीर नहीं है वो बहुत बड़े डिस्क्लेमर के साथ आ रही है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए है आई ऑल्सो बिलीव कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता है ट्रू बट ये जो बॉयकॉट वाली बात है कि अब ये ट्रेंड बन गया है तो अब ये चीज़ गलत है कि उस ट्रेंड को सिर्फ फॉलो कर रहे हो आप बिना किसी वजह के या तो एटलीस्ट चलो आपने फिल्म देखी है यू डोंट लाइक इट यू फील यू हैव एन ओपिनियन शेयर इट इट्स ओके बट जो सोशल मीडिया बिकॉज नाउ एवरीवन हैज़ अ राइट टू सोशल मीडिया एंड एवरीवन कैन क्रिएट एन अकाउंट जस्ट बिकॉज यू हैव दैट पावर यू आर मेकिंग मीम्स आउट ऑफ समथिंग जिसका कॉन्टेक्स्ट ही आपको पता नहीं है जिसका आपको वो क्यों हो रही है वो चीज़ वो ही पता नहीं है कभी कभी मैं भी गलती कर जाती हूँ कोई मीम शेयर करने में जब मुझे उसका एक्चुअली मतलब भी नहीं पता होता है फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ओ ये तो सिर्फ मैंने कूल बनने के लिए किया एंड आई वुड टेक दैट ऑन मी की दिस इज माई मिस्टेक बट देन देर इज़ नो वे टू रेक्टिफाई दैट बिकॉज वंस इट्स आउट ऑन सोशल मीडिया इट्स देयर फॉर एवर सो ऑल आई वुड लाइक टू से आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है बॉयकॉट um, तो मुझे नहीं इतना समझ में आता है बट आई वुड से कि आप एक बार चीज़ को देख ले समझ लें जान ले उसके बाद अपना ओपिनियन दे ना कि उससे पहले यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड सेम वे ट्रेलर्स देख के आपने तो पूरी फिल्म भी नहीं देखी है ट्रेलर्स देख के तो अच्छी बुरी फिल्म का आप अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहे हो इस बार क्योंकि जो अच्छे ट्रेलर्स हैं वो भी कभी शायद नहीं चल पा रहे हैं बुरे ट्रेलर्स हैं वो शायद बहुत अच्छे कर रहे हैं तो यार इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड आई थिंक लोगों को सिर्फ थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि um, चीज़ों को ऐसे ही सिर्फ हवा में नहीं खेले उनको देख ले समझ ले फिर करे जो करना है वो बाकी इट सब टू देर डिसीजन हम हैं फैंस की वजह से है ऑब्वियसली द फिल्म आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द ऑडियंस इज ओनली बट इफ दे आर नॉट वर्किंग तो ये चीज़ एक होनी चाहिए कि चाहे छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो uh, मेहनत दोनों में इक्वली लगती है yes. आप अगर बड़ी फिल्म को और बड़ी बना रहे हो तो वो भी अच्छी बात है लेकिन छोटी फिल्मों को बॉयकॉट करके या बड़ी फिल्मों को बॉयकॉट करके भी नुकसान तो उतना ही हो रहा है yeah. सबका मेकर्स का राइटर्स का देर आर लाइक थ्री हंड्रेड पीपल वर्किंग ऑन अ फिल्म और ऑन अ टीवी शो आल्सो देर आर लाइक हंड्रेड पीपल वर्किंग एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम दो काइंड ऑफ फैमिलीज जहाँ पे वो उनकी रोजी रोटी होती है yeah. तो एम्प्लॉयमेंट um, भी दे रहे हैं इंडस्ट्री वाले और अगर वो चीजें चल रही है तो उसमें खुश होना चाहिए नहीं चल रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप होप्स uh, हार जाओ या फिर उसे कर दो। या, yeah. like क्योंकि बैक टू बैक बॉलीवुड के कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई है आपको कौन सी फिल्म है जो पसंद आई इस साल में रिलीज हुई थिंक uh, भूल भूलैया और कौन सी हुई Uh, और तो मैंने देखी नहीं है सो आई आई वुड नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट बट आई रियली लाइक भूल आई हैव्ड आई थिंक ओ टी टी पे काफ़ी सारी फिल्में अच्छे yes. से चल रही है सो दैट्स अनदर मीडियम डार्लिंग्स आई लवन शमशेराई हैवेंट वॉचड और बॉयकॉट uh, तो किसे कर रहे हैं शमशीर आई हर्ड दैट बट यार आपने देखी नहीं है एंड जस्ट बिकॉज नॉट जस्ट शिफ्ट अटेंशन टू द होल फिल्म मतलब वो एक इंसान से इसे फिल्म चल भी नहीं रही है ऐसी बात है किसी भी तरह से कोई भी फिल्म सिर्फ एक इंसान से कभी नहीं चलती है वो दूसरे हजार लोगों की वजह से चलती है तो आप अगर उसे बॉयकॉट कर भी रहे हो तो जान लो कि आप किस चीज को एग्जैक्टली exactly बॉयकॉट करना चाह रहे हो इंसान को या फिल्म को इट इज आई थिंक नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ बॉलीवुड वाज साउथ इंडस्ट्री ओह गॉड या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज है कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली होंगी वो तो यार आ, ब, सब जगह होती है गुजराती को भी बॉलीवुड से कंपेयर करते थे बॉलीवुड को भी साउथ से कंपेयर करते थे वी आर ऑल वन आई थिंक वी आर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री येस लैंग्वेज के हिसाब से आप शायद डिफरेंशिएट कर सकते हो बट आई थिंक एवरी रीजनल इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन चार्म वहाँ पे भी काफ़ी सारी पिक्चरें नहीं चलती है हमारे पास वही पिक्चरें आती है जो फेमस होके आती है और उनके पास भी एक्चुअली वही पिक्चरें जा रही है जो यहाँ से फेमस हुई है सो वी एक्चुअली डोंट नो कि कितनी फिल्में बन रही है कितनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं uh, तो ये चीज़ बोलना कि इट्स बॉलीवुड वर्सेस साउथ तो हाँ कंपटीशन बोल सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरी बात है ऑब्वियसली देर इज एवरी वन वॉन्ट्स टू यू नो हैव एन इंस्पिरेशन तो अगर uh, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से इंस्पिरेशन ले रहा है और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन ले रहा है उसमें गलत बात क्या है <laughs> वाई कैन बी जस्ट बी बेटर और हम सारे हॉलीवुड से इंस्पिरेशन <laughs> ले रहे हैं तो क्या कल उठा के ये बोलेंगे कि हॉलीवुड और साउथ में कंपेरिजन हो रही है हो ही रही है अभी भी हो रही है इट्स जस्ट लेट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट सो आई थिंक इट्स गुड देर देर इज कॉम्पिटिशन ऐसे ही होना चाहिए ऐसे ही चीज़ें

Uh, so I don't know as of now there are no plans yet but uh, it's it's a happy feeling कि इस चीज के बारे में सोचना is good but we've not made uh, concrete thoughts on these things okay but क्या ऐसा एक सोचो आपने किस तरह की wedding चाहती हैं आप a a nice good Gujarati wedding like typical Gujarati wedding is my thing I don't want to be